अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। और जैसे कि मेरा 3-4 वीडियो तो आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे। इसी तरह मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो जैसे कि आज फ्राइडे है और सुबह सुबह मैंने आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो आयशा भी की भी गुड मॉर्निंग हो गई। और आयशा की सुबह सुबह ट्यूशन रहती है तो उसको जल्दी उठाना पड़ता है, तो अब चलते हैं उसको रेडी करते हैं और उसके बाद आपसे कंटिन्यू रहते हैं। और आज ये भी घर पर है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए। उस दिन आपको मैं बताई थी कि मैं फ्री हूँ तो मैंने वार्डरोब क्लीन कर दी थी। आई होप आपने मेरा वो वार्डरोब का वीडियो देखा होगा, और अगर देखा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। और आज मेरा कितना बिजी शेड्यूल रहता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आयशा भी थोड़ा लेजी फील कर रही है, उसका सुबह का रोज़ का डेली क्या है, मामा नहीं ना सोने दो ना मामा उठने दो ना मामा दूध नहीं पीने। तो मैं उसको रेडी करती हूँ और आप पोनीटेल बताओ। ऐसा पोनीटेल बनाना बहुत पसंद है। तो चलिए किचन में मिल आयशा का। तो आ गए हम किचन में। बरसात भी 3-4 दिन से मुंबई में बहुत हो रही है। मैंने वैसे आयशा के लिए दूध भी रेडी कर दी थी और मेरा गर्म पानी भी रेडी है। आज आयशा और मैं रेस लगाएंगे। मेरा आधा कप है, मैं पी गई थी आधा। हाँ तो 1, 2, 3 गो। क्या हो गया? तो वैसे मैं आज जीत गई। हाँ जैसे आज वो घर पर है तो मैंने बोला कि आज कुछ स्पेशल भी बनाऊंगी मैं, तो आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी कि क्या मैं आज वो ये घर पर है तो स्पेशल बना रही हूँ। ऐसे मैं फ्राइडे के दिन कुछ स्पेशल नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं और आयशा ही रहते हैं और आयशा भी स्कूल चली जाती है, तो नॉर्मल जो हम लोग का भाजी रोटी रहती है टिफिन के साथ तो मेरा भी वही रहता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में पुलाव बनाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा आलू भी फ्राई हो गए, मैंने आलू को फ्राई करने रख दी थी। तो इसमें मैं अब अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये मेरा गरम घर का पिसा हुआ गरम मसाला है तो मैं इसको 2.5 चम्मच डाली हूँ और 1 स्पून धनिया पाउडर बस।
और मसाले के साथ ही मैं इसमें अब चिकन भी ऐड कर दूंगी। और साथ में ग्रीन पीस। अब इसको 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढककर मसाले के छोड़ देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। तो मैं नमक थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ चिकन और राइस का दोनों। माशाल्लाह मेरा चिकन जो है अच्छे से पक गया है, बस अब इसमें पानी डाल के राइस डालना है। तो मैंने यहाँ पर अपना राइस भी डाल दी हूँ ये पुलाव में। अब इसको इस रख देती हूँ ढक्कन ढक के थोड़ी देर तेज़ आंच पे, फिर उसके बाद दम दे देंगे। और जैसे कि अब मुझे चिकन भी बनाना है तो अब मैं अपना कैमरा यहाँ पर ले आती हूँ। तो अब मुझे चिकन भी फ्राई करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ मसाले मैं जो चिकन में डालती हूँ वो निकाल के रख ली हूँ। सबसे पहले है नमक, पिंच ऑफ रेड कलर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये है चिकन मसाला, ये है धनिया पाउडर। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर बाउल में अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी धनिया लेके रखी है, तो ये सब पहले इसमें डाल देते हैं। और मैंने अपने चिकन को छोटे छोटे क्यूब में कट करी हूँ, तो उसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि ये मैरिनेट हो गया है और इसको अब मैं आधा एक घंटा मैरिनेशन के लिए रख दूंगी, और जब खाना खाने बैठेंगे तो जब डीप फ्राई करूंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना है। तो मैंने इसमें फ्राइड आलू और ऑनियन भी डाल दी हूँ। घंटे तक मैरिनेशन हो गया है तो मैं एक एक करके पहले चिकन की पीस डाल देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी नमाज़ वगैरह जो भी इबादत थी फ्राइडे की तो वो कंप्लीट हो गई है। और जैसे कि आज आयशा की स्कूल की ऑनलाइन थी
तो वो भी बोली कि मम्मा मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तो मैं बोली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो देखिए मैं दिखाऊँ थोड़ा सा, वो भी अभी दुआ करने बैठी है। तो बताओ खा के कैसा बनाई हूँ मैंने आज पुलाव और चिकन फ्राई। प्रेजेंटेशन तो अच्छा लग रहा है, फ्राई चिकन पुलाव और क्या ये रायता। प्रेजेंटेशन तो अच्छा लग रहा है और ये सब दिखने में तो काफी यम्मी लगता है। तो पुलाव तो तुम अच्छा ही बनाती हो, मतलब ये आई थिंक ये तुम्हारा स्पेशलिटी है पुलाव बनाना। नहीं मैं कोई और खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ क्या? और खाना मतलब स्पेशलिटी क्योंकि तुम्हारा फेवरेट है ना पुलाव। हाँ अच्छा लग रहा है, जो खा के देखता हूँ और बता दो तुम मुझे कैसा टेस्ट बना है। मैं शादी से पहले बहुत खाती थी ना, ये थोड़ा अलग टाइप का बना है, जैसे रेगुलर बनाते ऐसा नहीं बना। हाँ मैंने खाली आज ऑनियन को फ्राई करके डाली हूँ, मैंने किसी की रेसिपी देखी थी। एक नंबर बना। तो दोस्तों अगर ना इसके ऐसे बीवी हो तो क्या बात है, जो इतना अच्छा बढ़िया लज्जतदार खाना खिलाए आपको, और क्या चाहिए आपको, है ना? तो शुक्रिया इतना बढ़िया खाना बनाने के लिए। नहीं आज तुम घर पे थे ना इसकी वजह से मैं सोची आज फ्राइडे भी है। बहुत बढ़िया बना है, बहुत अच्छा बना है, बहुत यम्मी है। और आप भी अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी आज पुलाव बनाओ और खा के देखो। बाकी चलो आई थिंक हम खाना ख़त्म करते हैं, आज ऑफिस भी है मेरा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें, ऐसे ही आपको एंटरटेन करें, आपको ऐसे ही दिन की रोज़ हम आपसे मिले और आपको आपके साथ हमारी बातें शेयर करें। तो थैंक यू देखने के लिए, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।